हेलो गाइस, आजकल मुझे बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं उन भाइयों से जो कि यूएई में अपनी जॉब लॉस कर चुके हैं या फिर विजिट वीज़ा पर हैं 2-3 महीने से, पर उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो उन भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है, इसका नाम है स्किल बी। इस ऐप को आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और या फिर इनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और डायरेक्टली जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐप स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि कैंसल वीजा पर हैं या फिर विजिट वीजा पे आए हुए हैं यूएई में या फिर अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं। और ये ऐप यूएई के साथ साथ और भी दूसरी गल्फ कंट्री जैसे कि कुवैत, सऊदी, कतर सब जगह अवेलेबल है। और आज इस ऐप पर जनरल हेल्पर, एचवीसी टेक्नीशियन, सिविल फोरमैन, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, मेसन्स, इन सब जॉब कैटेगरी की वैकेंसीज आई हुई। तो इन सब जॉब वैकेंसीज का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और साथ ही स्किल बी वेबसाइट का लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगा। और इस ऐप और वेबसाइट पर आने वाली वैकेंसीज मैं अपने अगले वीडियोस में भी शेयर करता रहूंगा। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आज के वीडियो के बारे में। तो मैं सभी इंजीनियर भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैं सभी इंजीनियर भाइयों की मोटिवेशन के लिए एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं 7 से 8 वीडियो बनाने वाला हूँ। और ये वीडियो सीरीज सभी इंजीनियर भाइयों के लिए, जैसे कि सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उन सभी इंजीनियर भाइयों के लिए एक गाइडेंस और एक मोटिवेशन का काम करेगी। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस आने वाली सीरीज में मैं क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड करने वाला हूं। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल का बटन दबा दो ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। और साथ ही इस वीडियो को सभी इंजीनियर भाइयों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता लग सके और आने वाले वीडियोस में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस सभी भाइयों तक पहुंच सके। स्पेशली अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को आपके क्लास में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आप सभी जगह पर शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, कैसे आपको अपने आप को जॉब्स के लिए रेडी करना है। और अगर आपने इंजीनियरिंग पास आउट कर ली है और आपने अपनी जॉब अभी भी शुरू की है और आप आने वाले टाइम में गल्फ में या दुबई में जॉब करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहना चाहूंगा कि आप भी इसको अपने साथ काम करने वाले इंजीनियर्स और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे या मेरे कमेंट्स देखे होंगे यूट्यूब चैनल पर, तो मैं मोस्टली लोगों को ये बोलता हूं कि एज ए फ्रेशर आपको दुबई नहीं आना चाहिए। और इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या रीजन है कि क्यों आपको एज ए फ्रेशर दुबई या गल्फ में जॉब के लिए नहीं आना चाहिए। और दूसरा टॉपिक इस सीरीज में ये रहेगा कि सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या क्या स्कोप रहता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप किस किस पोस्ट पर, किस किस लेवल पर काम कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद दुबई में क्या क्या स्कोप रहते हैं, किस किस फील्ड में, किसी सेक्टर में, किसी कंपनी में आपके लिए जॉब रहती है। और उसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और दोस्तों, बहुत सारे इंजीनियर भाई मुझे मैसेज करते हैं कि क्या दुबई की जॉब के लिए, गल्फ की जॉब के लिए हमको एमटेक करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जो कि बहुत डिटेल में होगा और वो भी इस वीडियो सीरीज में आने वाले वीडियो में से एक होगा। और एक वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि क्या क्या स्किल चाहिए आपको सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉब के लिए दुबई में, और कैसे आपको अपने आप को रेडी करना है। बहुत सारे इंजीनियर भाई मुझे मैसेज कर रहे थे, वो पूछना चाहते हैं कि क्या क्या स्किल चाहिए, कैसे उनको जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना है और किस किस तरह की कंपनीज में उनको अपना स्टार्टिंग एक्सपीरियंस लेना चाहिए ताकि उनका बेस रेडी हो सके गल्फ की जॉब के लिए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर भाई टेलीकॉम्स कंपनी में जॉब करते हैं। जॉब उनकी साइट इंजीनियर की रहती है, पर जॉब प्रोफाइल थोड़ा अलग रहता है, वहां पर अलग तरह का काम होता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। कुछ इंजीनियर भाइयों ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया है कि क्या इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी है दुबई में। जनरली तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत कंपलसरी है, पर इसके लिए भी मैं एक वीडियो इंक्लूड करने वाला हूं। उसमें मैं बताने वाला हूं कि किस तरह की इंग्लिश आपको आनी चाहिए और जिन भाइयों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है उनको मैं टिप्स देने वाला हूं कि आप कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। और कुछ इंजीनियर भाइयों ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया था कि दुबई में इतनी गर्मी होती है तो इंजीनियर लोग कैसे काम करते हैं, स्पेशली सिविल इंजीनियर का काम साइट रिलेटेड रहता है, तो दुबई की गर्मी में वो कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं। तो इसके लिए भी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं। और साथ ही इस वीडियो सीरीज में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, जैसे कि एक सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर को साल में कितने दिन काम करना पड़ता है दुबई में, जॉब शेड्यूल, टाइमिंग, हॉलीडेज, मेडिकल लीव, वो सब कैसा रहता है। और साथ ही इस सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इंक्लूड करने वाला हूं, जिसमें कि मैं दुबई की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में बताना चाहता हूं, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं दुबई की जो सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन कंपनी के बारे में, उनकी डिटेल, उनके प्रोजेक्ट और उनके रिक्रूटमेंट स्टाइल और उनकी सैलरीज के बारे में मैं बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और साथ ही मैं सभी इंजीनियर भाई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने मिस कर दिया हो, वो आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। आप डायरेक्टली मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुबई की जॉब से रिलेटेड मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है और एक इंस्टाग्राम पेज भी शुरू किया, जहां पर कि मैं जॉब पोस्ट शेयर करता हूं। तो आपको जॉब की व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओके भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी मिलते हैं इंजीनियर्स की मोटिवेशन सीरीज के पहले वीडियो के साथ।